हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं एक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यम्मी खट्टी चटपटी रेसिपी, खट्टा भाजी और चना दाल के साथ। तो ऐसी टेस्टी यम्मी रेसिपी के लिए मैंने लिया है खट्टा भाजी। खट्टा भाजी को मैंने अच्छे से वॉश करके साफ कर लिया है और ये पत्ते आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। उसके अलावा एक कटोरी चना दाल है। चना दाल को हम लोग अच्छे से वॉश करके आधा घंटा भीगने के लिए रख देंगे। आधा घंटा नहीं तो भी एटलीस्ट 15 मिनट इसे भीगने रख देना है। उसके अलावा ये है एक बड़ा प्याज, कुछ करिया पत्ती, हरी मिर्च अकॉर्डिंग टू टेस्ट, फिर हल्दी, सरसों, जीरा तड़का लगाने के लिए, चना दाल, उड़द दाल, थोड़ा सा हींग, कुछ लहसुन की कलियाँ और सूखी लाल मिर्च। उसके अलावा तेल और नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। मैंने दाल को अच्छे से धो के डेढ़ ग्लास पानी में भीगने रख दिया था। अब मैंने प्रेशर कुकर लिया है, उसके बाद मैंने उसमें डाला है दाल। दाल मैंने पानी के साथ डाल दिया, उसके अलावा मैंने एक ग्लास और पानी, मीन्स मैंने पूरे ढाई ग्लास पानी का इस्तेमाल किया है। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल रही हूँ। दाल को अगर भिगो के रखेंगे आधा घंटा तो बहुत जल्दी पकता है। उसके बाद दो तीन ड्रॉप जितना ऑयल डाला है, उसके बाद इसे हम लोग ढक्कन लगा के 3 से 4 विजल तक या तब तक जब तक अच्छे से नहीं पकता पका लेंगे। अब मैंने रखा है एक पैन, उसमें मैंने डाला है अराउंड 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल डालने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ चना दाल और उड़द दाल, डालकर थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ सरसों 1/2 टीस्पून है, जीरा 1/2 टीस्पून है और 1/4 टीस्पून जितना हींग है, डालकर इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन की कलियाँ। लहसुन की कलियाँ हमें ऐसे ही डालना है। उसके बाद मैं डाल रही हूँ सूखी लाल मिर्च, डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ। लहसुन की कलियाँ अगर ज़्यादा डालेंगे तो टेस्ट और अच्छा रहेगा। उसके बाद मैंने इसमें डाला है करिया पत्ती और हल्का मिक्स करके अब मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा प्याज, डालकर अब हम इसको अच्छे से भुनेंगे तब तक जब तक कि प्याज हल्का भुन नहीं जाता है। उसके अलावा मैंने इसमें डाला है हरी मिर्च। हरी मिर्च खट्टा भाजी वाली रेसिपी, कोई भी आप रेसिपी बनाओगे तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता है, क्योंकि खट्टा ज़्यादा रहता है तो उसे बैलेंस करने के लिए मिर्च थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने मिर्च डाला है और अच्छे से भून लिया है। जब ये भुन गया उसके बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ खट्टा भाजी। खट्टा भाजी डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मैंने मिर्च पाउडर का यूज़ नहीं किया है, सिर्फ हरी मिर्च यूज़ किया। आप चाहो तो थोड़ा सा मिर्च पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब खट्टा भाजी मैंने डाल दिया है तो ये क्वांटिटी में ज़्यादा है, मिक्स करने में परेशानी होगी, इसलिए मैं इसको ढक के 1-2 मिनट ऐसे रहने दूँगी ताकि ये स्टीम में पक के नीचे बैठ जाए। अब ये थोड़ा सा पक गया है, 2 मिनट बाद भाजी नीचे बैठ गया है तो अब हम इसे ईजीली मिक्स कर सकते हैं। अब हम भाजी को अच्छे से मिक्स करेंगे एकदम अच्छे से, ताकि जो तड़का हमने लगाया है प्याज और लहसुन का, वो भाजी सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। और हमें इसे मीडियम हाई फ्लेम पे पकाना है। अब इसे कंटिन्यूसली मिक्स करेंगे नहीं तो ये नीचे पैन में लग जाएगा। अभी मैं इसमें बाकी हल्दी डाल रही हूँ। पहले हमने दाल में थोड़ा सा डाला था, अब बाकी बचा हल्दी मैंने डाल दिया है। डाल के मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ये भाजी बहुत जल्दी पक जाती है, बट अगर हम लोग भाजी को दाल के साथ डाल के पकाएंगे तो वो नहीं पकेगा। मैंने ढक के 2 मिनट पकाया था, उसके बाद आप देख सकते हैं भाजी अच्छे से मतलब मिक्स हो गई है, पूरी तरह से नहीं पकी है बट मिक्स हो गई है। अब मैंने इसमें डाला है 1/2 टीस्पून नमक। नमक डालकर अब इसको थोड़ा सा मिक्स करके ढक के हम लोग इसको पकाएंगे ताकि भाजी एकदम अच्छे से पक जाए। जब तक ये भाजी पकती है हम चेक करते हैं दाल। अब दाल काफ़ी अच्छे से पक गई है, मैं दिखा रही हूँ आपको। दाल मैंने बहुत ज़्यादा नहीं, ओवर कुक नहीं किया है, मतलब उतना ही पकाया जितना दाल पक सके, बस इतना ही, क्योंकि बाकी हम लोग भाजी के साथ पकाएंगे। तो ये चना दाल और खट्टा भाजी की जो सब्जी है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब मैं दाल घोटने से इस तरीके से इसे घोट रही हूँ, बट मैं इसे एकदम चिकना नहीं घोट रही हूँ, हल्का दरदराई रख रही हूँ, क्योंकि ये जो सब्जी है, सब्जी बोलो या दाल, बहुत टेस्टी है। तो जब हम खाएंगे तो थोड़ा दाल दिखने से, दाल मुंह में लगने से बहुत अच्छा लगता है। अब मैं भाजी चेक कर रही हूँ, भाजी पूरी तरीके से पक गई है, बहुत अच्छे से पक गई है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अगर आप चटनी के जैसे खाना चाहते हो तो ये चटनी बनके रेडी है, बस आप गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे निकाल कर यूज़ कर सकते हैं, बट हम इसे सब्जी बना रहे हैं। तो अब मैं इसमें डालूँगी दाल। दाल डाल के
हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। दाल डालने के बाद मैं थोड़ा सा पानी गर्म होने रख दे रही हूँ, क्योंकि दाल में हमें पानी डालना है तो ठंडा पानी नहीं डालना है। कोई भी दाल बनाओ, सब्जी बनाओ, उसमें डालते समय अगर हम पानी गर्म करके डालेंगे तो उसका टेस्ट अच्छा रहता है। अब मैंने इसे एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया है। दाल और भाजी मिक्स होने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा है, तो हमें इतना गाढ़ा नहीं रखना है। तो मैंने एक गिलास पानी गर्म होने रख दिया है, तो मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। पानी आप जैसा कंसिस्टेंसी रखना है उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और भाजी जब हमने पकाया उस समय आपने ध्यान दिया होगा, मैंने स्पून से उसको अच्छे से मैश किया है, उस तरीके से मैश करना है। अदरवाइज भाजी अलग रहेगी, दाल अलग रहेगी, तो लुक वाइज वो अच्छा नहीं दिखता है। इसलिए इस तरीके से स्पून से हमें अच्छे से मिक्स करना है, ताकि जो भाजी है, दाल है, अच्छे से मिक्स हो जाए और इनकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी रहे। आप चाहो तो यहाँ पर एक बार दाल घोटने से इसको घोट भी सकते हो, बट उसकी ज़रूरत नहीं है, स्पून से मिक्स करने से ये हो जाएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। नमक हमने भाजी में भी डाला था और अभी भी डाल रहे हैं, तो मैंने एक टीस्पून नमक का यूज़ किया पूरा, पहले और अभी मिलकर। अब मैं इसे एक बार और अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद इसे ढक के मीडियम हाई फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक पकने रख देंगे। 5 मिनट बाद दाल और भाजी आपस में अच्छे से पक गया है, मिक्स हो गया। आप चाहो तो यहाँ पे मिक्स दाल का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने सिंपल चना दाल यूज़ किया है, आप मिक्स दाल का भी यूज़ कर सकते हैं, या सिंपल रहर दाल, या सिर्फ मूंग दाल का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है। अब ये अच्छे से पक गया है, मैंने इसके ऊपर डाला है बारीक कटा हरा धनिया और उसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। और ये सब्जी या दाल ठंडा होने के बाद गाढ़ा होता है, आप देख सकते हैं। मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया, उसके बाद ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है। तो आप कंसिस्टेंसी देखकर रख सकते हैं, मतलब जैसी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए उसके अकॉर्डिंग। अब हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यम्मी खट्टा भाजी सब्जी बनके रेडी है। इसे आप रोटी, चावल किसी के भी साथ सर्व करो, सभी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। अब आप भी ये रेसिपी ज़रूर बनाइए। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। Thank you.